सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। पहचाने दो दोस्तों, अनुराग कश्यप बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत सी बढ़िया फिल्में दी हैं। तो ज्यादा टाइम न खराब करते हम ले चलते हैं आपको टॉप 5 अनुराग कश्यप की बेस्ट फिल्मों के बारे में बताएंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल वेबडेट टीवी। तो नंबर 5 पर रमन राघव 2.0, जहां इसे 7.4 की IMDb रेटिंग मिली तो 76% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बात करें इसकी स्टोरी की तो रमन जो एक सीरियल किलर है राघव को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो उसका सोलमेट है। राघव जो एक पुलिस ऑफिसर है जो रमन का ही केस स्टडी कर रहा है। तो रमन और राघव कैसे मिलेंगे और कितने मर्डर इस स्टोरी में और होने वाले हैं, तो देखने के लिए देखिए ये फिल्म। अपुन को लगता है अपुन आपको आपसे ज्यादा पहचानता है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा में नंबर 4 पर है मुख्य बात, जहाँ IMDb पर इसे 8 की रेटिंग मिली, वही 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया। ये एक अमेच्योर बॉक्सर की कहानी को दिखाती है जो बरेली में रहता है। उसके फादर चाहते कि वो कोई और पैशन फॉलो करे, लेकिन वो बॉक्सिंग ही करना चाहता है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म हमें कहाँ तक लेके जाती है। रणवीर सिंह जैसे दीपिका पादुकोण को देखता है, ऐसे ये तुम्हारा बॉक्सर तुमको देखता है। अबे तो एक टक्के देख रही है बे। मुश्किल है अपना। नंबर 3 पर गुलाल, ये 2009 में आई ड्रामा थ्रिल फिल्म है। 8.1 की IMDb रेटिंग और 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। लड़े कॉलेज का इलेक्शन जीतने से क्या होगा? यूथ चेंज करता है समाज को। अरे लेकिन ऐसा क्या चेंज करना चाहता है वो? मैं पढ़ने आया था। पढ़ना है ना इतिहास पर। जंग छेड़ी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। जो आप कर रहे हो क्रांति नहीं, पागलपन। आरंभ है प्रचंड। नंबर 2 पर ब्लैक फ्राइडे 2004 में आई ये फिल्म। 8.5 की IMDb रेटिंग और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया। आफ्टर 1993 मुंबई ब्लास्ट, मुंबई के अंदर सिटी में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुका था, राइड्स हो रहे थे, उन्हीं को बचाने के लिए पुलिस क्या क्या प्रयत्न करती है इसे फिल्म में देखने को मिलेगा। मेरे पास एक खबर है साहब, शहर में बम फटने वाले हैं। टाइम हो गया। नंबर 1 पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडियाज बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी ऑल टाइम हिट गैंग्स ऑफ वासेपुर। 8.2 की IMDb रेटिंग और 78% गूगल यूजर्स के द्वारा इसे लाइक किया गया है। अनुराग कश्यप ने वासेपुर से पहले 3 ग्रेट मूवीज बनाई, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर उनके अल्टीमेट मास्टरपीस बनी। वासेपुर को 2 भागों में बनाया गया है। ये वासेपुर की रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। बात करें गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 की, तो मनोज वाजपेयी ने लीड रोल निभाया है जो इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्टर है। हाल ही में उन्हें सोनी लिव की फिल्म घोंसले के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इस फिल्म में इंडिया के फाइनेस्ट एक्टर्स ने काम किया, जिनमें से मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया, राजकुमार राव, हुमा कुरैशी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स में देखने को मिले। इस मूवी का हर डायलॉग एपिक है। स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। युवा से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सुन के बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं?